सोलन में अचानक तापमान बेहद अधिक बढ़ने से जहां चिलचिलाती गर्मी के कारण तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी पार हो गया है, जिसके चलते अब दोपहर में लोग बेहद जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में वैक्सीन लगवाने का अभियान आजकल जोरों पर चल रहा है। भीषण गर्मी के बाद भी रोज अस्पताल में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन लगवाने आ रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए शहरवासियों को अस्पताल की भारी अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में जहां वैक्सीन लगाई जा रही है वहां पंखा नहीं लगा हुआ है, जहां वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें आधा घंटा बिठाया जाता हो वहां भी पंखे नहीं लगाए गए हैं और ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, जिसके चलते लोगों को असुविधा हो रही है। वैक्सीनेशन लगवाने आए आम नागरिकों ने बताया कि आजकल गर्मी पहले से ही अधिक पड़ रही है। वैक्सीन लगवाने से पहले घबराहट भी होती थी, लेकिन जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है वहां अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था भी ठीक नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने वाले स्थान पर भीषण गर्मी होने के बावजूद कोई भी पंखा नहीं है। अगर किसी को घबराहट होती है तो वह पानी की व्यवस्था भी वहाँ उपलब्ध नहीं है, बैठने का प्रबंध भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे इसके लिए उचित व्यवस्था करें। तो यहाँ का वेंटिलेशन सिस्टम कुछ नहीं है और आपके यहाँ पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो है बैठन सीटिंग कुछ लोग खड़े हैं, सीटिंग सिस्टम भी कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। इसके सरकार को चाहिए कि इसकी यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करे, ताकि कि जो भी बाहर से लोग आए या अपने यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको जो है किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरकार से गुजारिश करेंगे कि भी इस तरफ को ध्यान दें, जबकि सरकार की तरफ से जो है मेडिकल के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान भी किया हुआ है, उसको प्रॉपरली लगाया जाए, लोगों की सुविधा के लिए खर्च करे सरकार। अब हम सीनियर सिटीजन में हैं, हम लोगों को दिक्कत है, बीपी के पेशेंट है, ठीक है, उनको तो अब देखा, मुझे भी बार बार पसीना आ रहा है। जो है लोगों की सुविधा के लिए सरकार को कोई नहीं, और जो है स्थानीय जो है यहाँ का कर्मचारी लोग हैं और अपने मेडिकल के भी जितना स्टाफ है उनको जो है यहाँ का सारा चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। आज भी आए हैं, हमने वैक्सीनेशन तो लगाने आए हैं तो लगवाई है हमने, लेकिन बैठने का जिस ढंग से फैसिलिटी होनी चाहिए, इस हॉस्पिटल के लिए महत्व दिया जाना चाहिए, वो सरकारी तरफ की तरफ से जिस तरह से इसको ध्यान नहीं दिया गया है, इस पर खर्चे वगैरह के लिहाज से, तो उसी वजह से ये दिख रहा है कि यहाँ पर आज बैठे हैं तो पक्के पक्के भी नहीं हैं और भी नहीं हैं। समस्या तो यही है कि गर्मी में मजबूरी से ऐसे हालात में आना तो पड़ा है और टॉयलेट करना पड़ रहा है मजबूरी से। हालत तो अब इस उम्र में 68 से 69 साल की मेरी भी उम्र हो गई हुई है, कहीं बैक में दर्द कहीं कुछ ना कुछ रहती ही है शरीर के अंदर, तो तकलीफ में ही है हम उस ढंग से। पर ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है, अगर इस जैसे जैसी बीमारी है इसको लगाया जाना ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। इसके लिए ध्यान देना भी ज़रूरी है कि सरकार इसमें जो सुविधाएँ हैं प्रॉपर मुहैया कराए, और जो नियर बाई एरिए हैं उनके अंदर भी इसको फैसिलेट किया जाना चाहिए था। तो ये क्या रीज़न है तो अब सरकार ही जाने क्यों नहीं इसमें बजट नहीं लगा रही या क्या नहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, थोड़ा होना चाहिए, जैसे अब ओल्ड एज वाले आते हैं उनको थोड़ा सफोकेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे फ़ैन की फैसिलिटी नहीं है, अदरवाइज तो ठीक है, इट्स ओके आई थिंक सो दैट। बाकी यहाँ पे थोड़ा यह है फैन फून पानी पुणी का थोड़ा, जो लोग बैठते हैं जब यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये होना चाहिए, पानी पुणी की व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ा फैन फून लगे हो, लोगों को थोड़ी दिक्कत ना हो ऐसा।